ओम प्रकाश राजभर ने जैसे ही एनडीए का दामन थामा वैसे ही तमाम पार्टियों को छोड़कर उनकी में पार्टी में जुड़ने का सिलसिला नेताओं का शुरू हो गया। आज एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। साथ ही साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर और उनके परिवार के लोगों पर समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं लगातार आरंचन लगा रहे हैं। साथ ही साथ कट पेस्ट जो वीडियो होते हैं उनको पोस्ट किया जा रहा है जिसमें अखिलेश यादव जो है उनकी मौत तक का सौदा किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि इनकी जांच हो और न्याय संगत इन पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ उनका कहना है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यानी कि सुभाषपा का कद बढ़ रहा वैसे वैसे समाजवादी पार्टी की चिंता भी बढ़ रही। इस बार 80 का सीट का जो एनडीए ने शपथ ली है कि 80 सीट में से 80 सीट उत्तर प्रदेश में लाएंगे, उसको लेकर के काम शुरू हो चुका है और चुनाव जब होगा तो हम 80 में 80 सीटें जीत कराएंगे। ओम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल परिवहन को लेकर एक समीक्षा की थी, उसके बाद माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के जल परिवहन प्राधिकरण का गठन कर लिया जाएगा। अगर हम माने तो कम से कम 2 महीने के अंदर इस जो प्राधिकरण है इसकी तैयारी कर ली जाएगी। जो जल मंत्रालय और जो जल परिवहन प्राधिकरण होगा इसका चेयरमैन खुद परिवहन मंत्री होंगे, साथ ही साथ एक किसी जल परिवहन एक्सपर्ट को इसका वीसी बनाया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर हम देखेंगे किस तरह से प्राधिकरण करेगा इसको लेके जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होंगे वो इसके सीईओ बनाए जाएंगे, साथ ही वन सिंचाई और पर्यटन के जो अधिकारी होंगे जो सक्षम अधिकारी होंगे उनको इसका सदस्य बनाया जाएगा। तो पूरी तरह की जरिए माना जा रहा है कि इसको दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही साथ नदियों को सिल्ट निकाल के जो जलस्तर है उसको बढ़ाने की कवायद की जा रही ताकि जल परिवहन जो है वो सुचारू रूप से चल सके। अब माना जा रहा है कि आगे आने समय में कि बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश की नदियों में जल परिवहन आपको देखने को मिलता नजर आए। मंडलायुक्त रोशन जैकब लगातार सख्त निर्देश जारी कर रहे हैं, बावजूद इसके नगर निगम लखनऊ का मार्ग प्रकाश विभाग कहीं ना कहीं सुस्त पड़ा हुआ है, जिसका नतीजा है कि राजधानी लखनऊ के तमाम इलाके की जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो खराब हो चुकी हैं और स्ट्रीट लाइट खराब होने के कारण शाम होते ही सड़कें अंधेरे में हो जाती हैं। खास तौर पे अगर हम पार्क रोड की बात करें जहां पर आए दिन मंत्रियों का आया जाना लगा रहता है, वह रोड पूरी तरीके से अंधेरे में डूब जाती है। इतना ही नहीं, बैकुंठ धाम की अगर हम बात करें तो बैकुंठ धाम के आसपास लगी स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, जिसके कारण परसों रात में जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ और वाहन चालक फरार हो गया, कहीं ना कहीं अंधेरे का फायदा उठाकर जब वाहन चालक फरार हो गया जिसके दौरान उस युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। उसके अलावा पारा थाना क्षेत्र की बात करें, कृष्णानगर थाना क्षेत्र की बात करें, गोमती नगर थाना क्षेत्र की बात करें तो तमाम जगहों पर नगर निगम का जो मार्ग प्रकाश विभाग है जो सड़क किनारे लगी लाइटों को रोशन करता है वो कहीं ना कहीं खराब है, जिसके कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर रोशन जैकब ने कल नगर निगम लखनऊ को पत्र भी लिखा था और साफ तौर पर कहा था कि जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको दुरुस्त करा लिया जाए। मंडलायुक्त रोशन जैकब लगातार सख्त निर्देश जारी कर रहे हैं, बावजूद इसके नगर निगम लखनऊ का मार्ग प्रकाश विभाग कहीं ना कहीं सुस्त पड़ा हुआ है, जिसका नतीजा है कि राजधानी लखनऊ के तमाम इलाके की जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो खराब हम इस समय प्रेलूड पब्लिक स्कूल में खड़े हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार आजमगढ़ की घटना हुई है उसको लेकर अफसा के माध्यम से आह्वान किया गया था कि प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद किया गया है और जिस प्रकार आप देख सकें प्रेलूड पब्लिक स्कूल पूरी तरह से बंद किया गया। यहाँ के सभी टीचरों ने अपने बाजू पर काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जिस प्रकार अफसा के आह्वान पर विरोध किया गया है वो अब उनका कहना है कि जिस प्रकार इस आजमगढ़ में जो स्कूली छात्रा के साथ जो घटना हुई वो बाकी बहुत ही शर्मसार घटना थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जो कार्यप्रणाली रही उन्होंने प्रबंधक और स्कूली प्रिंसिपल के खिलाफ बिना सोचे विचारी कार्रवाई की, उसको लेकर अफसा के माध्यम से प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार किस प्रकार कदम उठाएगी, किस प्रकार राहत देगी, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज ऑन इंडिया की खबर का दमदार हुआ असर और न्यूज ऑन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था खबर। खबर का संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अमेठी सीएमओ को डॉक्टर की लापरवाही का 7 दिन के अंदर मांगी रिपोर्ट। जी हाँ, हम आपको बता दें ये पूरा मामला मुख्यालय जिला अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर मुंशीगंज थाना क्षेत्र के एक पीड़ित व्यक्ति ने जिसे पेट में दर्द था जिला संयुक्त अस्पताल में दिखाने गया और वहां पर उसका पेट में जो है पथरी थी और पथरी होने की बात डॉक्टर ने बताया और ऑपरेशन की बात कही, जिसको लेकर के पीड़ित का आरोप है कि डॉक्टर ने 10,000 रुपये की मांग भी की। वहीं पीड़ित परिजनों ने 7,500 रुपये डॉक्टर को दिया भी और ऑपरेशन होने के बाद पेट का दर्द नहीं गया और जब उसने दोबारा दिखाया तो ये पता चला कि सर्जिकल ब्लड
पेट के अंदर ही रह गया है। इसे साफ तौर पर डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। वहीं इस मामले पर खबर चलने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद डिप्टी सीएम ने 7 दिन के अंदर अमेठी सीएमओ से रिपोर्ट मांगी है। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि रिपोर्ट जाने के बाद लापरवाह डॉक्टर के ऊपर निश्चित तौर पे बड़ी कार्रवाई होगी। नेपाल से छोड़े गए पानी और बारिश के बीच बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर पहुंची। सरयू नदी खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी है, जिससे लोगों में जहां डर का माहौल है, वहीं निगरानी के लिए कई राजस्व टीमें भी गठित की गई। आपको बता दें, बाराबंकी जनपद में नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद और लगातार हो रही बारिश के चलते सरयू नदी खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी, जिससे बाराबंकी जनपद की 3 तहसीलें रामनगर, सिरौली गौसपुर और रामसनेही घाट तहसील क्षेत्र के बसे तराई क्षेत्र में लोगों में जहां डर का माहौल है, वहीं सैकड़ों बीघे किसानों की धान की फसल नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई। हालांकि बाढ़ से निपटने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद बना हुआ है। एडीएम अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सभी एसडीएम व तहसीलदारों तथा राजस्व टीम को निगरानी के लिए लगाया गया है और घाघरा नदी के आसपास बसे लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। बागपत में एक लाइव मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, बागपत कोतवाली क्षेत्र राष्ट्रवंदना चौक से कुछ ही दूरी पर एक लाइव मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट के अंदर एक युवक को दो दबंग युवक पीट रहे हैं, लात घूसों से उसकी के साथ मारपीट कर रहे हैं। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद जो पुलिस है पूरे मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। दानपुर के समीप एक सड़क हादसा, भयंकर सड़क हादसा हुआ है, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। ये सारे लोग इको कार से नोएडा जा रहे थे, संभल के रहने वाले ये सब बताए जा रहे हैं। ट्रक की टक्कर से इनकी इको कार खाई में गिरी, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और एक व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से घायल है। ये 5 लोग थाना धनारी जिला संभल के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ये अपने धनारी से नोएडा के लिए जा रहे थे। रास्ते में डिवाई थाना के अंतर्गत दानपुर के नज़दीक किसी अज्ञात वाहन ने इनकी इको कार में टक्कर मारी और इको कार इनकी खाई में गिर गई। खाई में गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बहुत ही भयंकर सड़क हादसा है और रात के 2 बजे की बात है। अब देखना ये है कि ड्राइवर को झपकी लगी या कोई और वजह रही। अभी तक अज्ञात वाहन का पता नहीं लगा है, पुलिस उसे ढूंढने के प्रयास में लगी हुई है। महानगर में तब्दील करने के लिए हर चौराहों, हर गली को सुंदरीकरण के साथ साथ नामकरण किया जा रहा है। अगर बात करें गोलघर के इंदिरा बाल विहार की, तो वहां पर काफी लोगों की भीड़ लगती है, जहां छात्र छात्राएं सहित सम्मानित लोग उस इंदिरा बाल विहार पर पहुंच करके अपने अतिथि देवो भव का लोग स्वागत करते हैं, उन दुकानों पर नाश्ता करते हैं। खासतौर से उन दुकानों को अब बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। वहां के जो भी दुकानदार हैं वो अब ड्रेस में नजर आएंगे, वेंडर ड्रेस में नजर आएंगे, ठेले खोंचे वाले अब ड्रेस में नजर आएंगे और सबका एक कोड रहेगा। उस कोड के माध्यम से सबकी जगह जगह पर तैनाती होगी और लोग उस चौराहे पर जा करके लुत्फ़ उठा सकेंगे। गोरखपुर हमीरपुर जिले में इन दिनों गरीबों को बहला फुसला करके करोड़ों की संपत्ति बैनामा कराने का ट्रेंड बढ़ चढ़ करके चल रहा है। ताज़ा मामला हमीरपुर जिले से सटे हुए बदनपुर गांव का है, जहां एक वृद्ध को वृद्धा पेंशन दिलवाने के नाम पर उसकी संपत्ति अपने नाम कर ली गई। हमीरपुर मुख्यालय स्थित अनिल पेंट व्यवसाय की यह पहली करतूत नहीं थी। इसकी शिकायत पहले भी जमीन को कम पैसे में लिखवाने और धोखाधड़ी की पहले भी यहाँ करने की कई लोगों ने शिकायत भी की थी और इसके ऊपर कई संगीन धाराओं पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन अधिकारियों का इस मामले पर कोई रुख नज़र नहीं आ रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग
आते हुए और शिकायत करने के बाद चले जाते हैं, लेकिन इस व्यवसाय के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई होने का डर दिखाई देता है। अब देखना ये होगा कि जो ग्रामीण हैं, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के यहाँ पर डे रोजाना चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं, आखिरकार वो कब तक ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे और कब तक ये भूमाफिया अनिल व्यवसाय जैसे लोग कब तक पनपते रहेंगे। हरदोई में खून के रिश्ते हुए शमशान, पूरा मामला बेलग्राम कोतवाली के ब्रौली गांव का है, जहां पर बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की कुल्हाड़ी से काट कर निर्मम हत्या कर दी। यही नहीं, पत्नी और बेटे के साथ मिलकर बड़े भाई ने अपने भाइयों और पिता को भी लहूलुहान कर दिया। घटना की जानकारी होते ही इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।